वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष की रेस में इंद्रानुरी आगे, इवांका ट्रंप की है पसंद। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद की रेस में पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंद्रानुरी सबसे आगे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस उनके नाम पर विचार कर रहा है। इंद्रानुरी अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस की सलाहकार इवांका ट्रंप की करीबी है। इवांका ने नुरी को अपना गुरु भी बताया था। इससे पहले खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इवांका को वर्ल्ड बैंक का प्रमुख बना सकते हैं, लेकिन बाद में इस खबर का खंडन आया कि चूंकि इवांका वर्ल्ड बैंक प्रमुख चुनने वाली समिति में है, इसलिए वे इस पद पर नहीं जाएंगी। नुरी के अलावा वित्त मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी डेविड मेलपास के नाम की भी चर्चा है। मेलपास अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के आर्थिक सलाहकार थे। चेन्नई में जन्मी 63 वर्षीय नुरी को देश की ताकतवर महिलाओं में से एक माना जाता है। कई कंपनियों में काम करने के बाद 1994 में इंदिरा ने पेप्सिको ज्वाइन किया। वहीं 2006 में उन्होंने कंपनी की कमान संभाली और इसके बाद से पेप्सिको के शेयर में 78% तक का इजाफा हो चुका है। उन्होंने 12 साल तक पेप्सिको का कमान संभालने के बाद पिछले साल अगस्त में पद से इस्तीफा दे दिया था। दुनिया की चर्चित पत्रिका फोर्ब्स की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में नुरी को कई बार शामिल किया जा चुका है। 2017 में नुरी इस सूची में 11वें नंबर पर थीं। साल 2007 में उन्हें भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने आर्थिक एजेंडे को लागू करने में इंदिरा नुरी ने मदद की थी। इंदिरा नुरी ट्रंप के स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी फोरम में शामिल थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका की भूमिका काफी अहम है। दरअसल वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े शेयर धारक होने की वजह से अध्यक्ष पद की नियुक्ति करता है। वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम को 2012 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नामित किया था।